गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लोग क्यों नहीं आए? चलो अब आ जाएंगे धीरे धीरे। तो देखो, कार बैन का मतलब क्या होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज, मतलब कि आपके पास सर कार। हाँ सर स्कूल में तो सर हमारे जो कार्ब कैटायन पढ़ा है तो बस डेफिनेशन और कुछ वही बताए हैं। स्टेबिलिटी आएगा सर एग्जाम्स में? बेटा, स्टेबिलिटी तो एग्जाम कौन से में, स्कूल में भी आता है तो यार, पता नहीं तेरे स्कूल में। ओके सर ठीक। तो बेटा स्कूल में चाहे ना आए, अगले साल आईआईटी तो देगा। आएगा हाँ सर, सर वो स्कूल में पूछ आएगा। रहा था। तो अगले साल स्कूल में आता है वैसे मेरे हिसाब से तो, मतलब और क्या ही देंगे, डेफिनेशन तो कुछ होती नहीं है। ठीक नहीं है, आ ही रहा है एनसीईआरटी में भी। एनसीईआरटी में तो है इतना मुझे पता है। हाँ तभी तो आ रहा है। रवि तो अब क्या, स्टार्ट अब भी हुई है ना? तो स्टार्ट में नहीं, बादाम खा रहा हूँ। अच्छा खा नुकड़ो स्टार्ट लो खा लो। सर आप आज पहले तो जैसे दिख रहे थोड़े से। अब कहे बदल गया थोड़ा लुक, चश्मा चश्मा चेंज किया है? हाँ सर बदले बदले से लगते हो आप। बाल सब क्या, अरे थोड़े पढ़ा बदले लिखा बदले लग रहा हूँ से लग आज? रहे हैं। घर हाँ पे हो पढ़ा लिखा सर लग आज रहा, आप? अलग से लग रहे हो। क्या आज सेंटर पे हो, घर पे हो? मैं घर पे हूँ यार। कुछ पेपर में दिक्कत थी क्या आपको? पेपर में दिक्कत थी? पेपर में नो सर। नो सर। वो मैडम करते, कुछ बच्चों ने मैसेज किया आंसर गलत दे रखे हैं। कोई नहीं था आप में से सर। अच्छा सर एक फिजिक्स के क्वेश्चन में है ना, वो छपा नहीं था ठीक अच्छा से। सर फिजिक्स का क्वेश्चन था, केमिस्ट्री में सब ठीक था? फिजिक्स के क्वेश्चन में है ना, वो ठीक से क्लियर नहीं थी इमेज, फिर मैम ने भेजा भी था शायद वो अच्छा मेरे को वैसे। हाँ हाँ अभी बोलो, अभी तुम्हें कोई दिक्कत थी सर लिखा तुमने? आई चूज सी फॉर टू क्वेश्चन, तो फिर क्या करें? रिजल्ट में बी शो कर रहा था। हैं ठीक है सर, सो थे गए सर थोड़े दिक्कत है, मतलब ऑप्शन गलत अपलोड थे। सर यार, ये तो फिर टेक्निकल एरर हो गया, नहीं तो गूगल का एरर हो गया। मेरे ख्याल से तो नहीं थे। सर तो हो सकता है सर्वर किसी किसी में होगा, किसी में नहीं होगा फिर वो। तो फिर मेरे क्या को तो यही नहीं करे? पता, सर मेरे को तो यही नहीं पता चला मैं सही हूँ या वो सही है। उसका ये था कि उसने सी लगाया, लेकिन जब उसने आंसर देखा तो बी लग गया रहा है। या फिर बहुत रेयर है ऐसा होना। सर वो तो सही हो स्क्रॉल जाता करते वक्त हो कभी जाता है, कभी है। हो जाता कभी कभी। हाँ वो स्क्रॉल करते हैं वक्त चेंज हो जाता है कभी कभी। तो वो तेरे से ऐसे हो गया होगा, अभी तूने स्क्रॉल कर दिया होगा या तो कुछ कर दिया होगा। तो अभी क्या करना है मुझे बता देना कल, ठीक है? नेहा मैडम को बता देना, मैं कल देख लूंगा जाके। रिवीजन कब शुरू होगा? पहले खत्म कर दे ऑर्गेनिक, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे यार। तो देखो जो सर ऑर्गेनिक लास्ट है, क्या सर ऑर्गेनिक लास्ट है। लास्ट में तब खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं वो वापस पढ़ाऊंगा एस ब्लॉक, फिर वो बाकी के चैप्टर्स वापस पढ़ाऊंगा जिन लोगों को नहीं पढ़ा। सर मतलब एस ब्लॉक लास्ट चैप्टर है। हाँ तो सर चलो। पुराने सर चैप्टर से ऑर्गेनिक में कौन कितने सी से शुरू चैप्टर्स हैं करोगे सर? बेटा? ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में तो दो चैप्टर है, ठीक है? लेकिन मैं दो यस सर। चैप्टर, मैं अभी आईआईटी के लिए ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा जीओसी टू तक, ठीक है? तो मैं 12th में स्टार्ट करता हूँ। अब जो 11th का जो स्कूल में आ रहा होगा उसको अलग से पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? सर हाइड्रोकार्बन फिर कब पढ़ाइएगा बेटा हाइड्रोकार्बन सिर्फ स्कूल लेवल पे पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? सर? कब? इसके बाद ही ना बेटा खत्म तो कर लूँ, ये काम आता है ना हमें। क्यों ओके सर। क्योंकि स्कूल लेवल तक क्यों? सर यार मैं ना ऑर्गेनिक एनसीईआरटी वाइज नहीं पढ़ाता यार। पुराने चैप्टर कौन तो कौन पढ़ाओ था? आगे, मजा आता है। फिर वो अभी 11th का भी तो सिलेबस है ना फिर। क्या है सर, ऑनलाइन चल रही, निकल जाएगा आराम से। नहीं बात कर देंगे फिर अपन, स्टार्ट कर देंगे जनवरी फरवरी में, स्टार्ट कर देंगे 12th अपनी।
पर ऑनलाइन के चक्कर में ना नहीं रहो अभी तो, वैक्सीन वैक्सीन का पता नहीं कब आ जाए, फिर ऑफलाइन लेना पड़ जाए टेस्ट। तो हम तो है तैयार, चलो पढ़ा रहा हूँ मैं। तो देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कौन कौन से, क्या बेटा पुराने चैप्टर कौन कौन से पढ़ाओगे आप? बोल सारे पढ़ा दूंगा, सारे तेरा एटॉमिक छूटा हुआ पढ़ा दूंगा और कुछ ठीक है। अरे सर कब से शुरू कर रहे बता दो बेटा, एक बार खत्म हो जाए ना ऑर्गेनिक, बीच में कैसे करें, एक बार खत्म हो जाते हैं इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर देख लेंगे, हो जाएगा थोड़ी देर में जो पढ़ाने तो दोगे तभी तो होगा। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है जब कार्बन पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या कोई बताएगा मुझे? यहाँ एक ऑर्बिटल है ऐसी जिसके पास क्या है एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज है, बोल सकते हो क्या है? एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से रिएक्टिव है। पहली बात कैसे ब्रेक से बनाए हेट्रोलाइटिक, तीसरी बात हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा इसके हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है यार, ये ध्यान से समझना। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, जैसे मान लो कि आपको कोई बोले कि यार ये कार्बोकैटायन है, मान लो ये कार्बेनायन है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो ये जिससे बना है ना, जिससे बना है उसका हाइब्रिडाइजेशन और इसका हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा। जैसे ये वाली चीज किससे बनेगी बताओ, ऐसे बनी होगी ना बेटा, ये वाली चीज चार बॉन्ड बना रहे होंगे, तो यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3, तो जब इसका एनायन बनेगा ना तो उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3, समझ लो जहां से वो बना है। जैसे मान लो आपके पास ये आ जाए HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये किससे बना होगा बताओ, इससे बना होगा ना, अरे बोलो। तो ये कार्बन जो ओरिजिनल कंपाउंड में, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो, sp, अरे बोलो। तो इसमें भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp। तो जहां से वो बना है उसका हाइब्रिडाइजेशन और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे ऐसे आ जाए आपके पास, तो ये किससे बना होगा सोचो बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है जिसको मैंने मार्क करा है sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा sp2। सबको सब इसका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आ सकता है कार्बन आयन का, तो जहां से बना है, तो जहां से बना है वहां का हाइब्रिडाइजेशन देखो सेम हाइब्रिडाइजेशन कार्बन आयन का होगा। क्लियर है सबको? यस सर। देखो पहले हेट्रोलाइटिक, बेटा हेट्रोलाइटिक याद है? नहीं याद है? नो सर। वे दो तरह से बॉन्ड टूटता है, गजनी मेरी क्लास के सर, आपने यहाँ पर एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज लिखा है, वो क्या लिखा है सर? बेटा हेट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि जब बॉन्ड टूटेगा तो बी एक इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ना, तभी तो बी पे नेगेटिव लगाएगा, तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ही तो हुआ कार्बन आयन का मतलब। ओके सर। सर एक बार हाइब्रिडाइजेशन दोबारा बता दो। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जिससे बना होगा वो, जैसे मान लो तुझे ये क्वेश्चन दिया तो ये इससे बना होगा ना, समझी लड़की? यस सर। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसके कार्बन आयन में भी इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp3, जिससे बना है। जैसे ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना था तो इस कंपाउंड से बना होगा, तो इस कंपाउंड में इस कार्बन का sp, तो उसका भी क्या रहेगा sp, समझा? ओके सर आ गया। सर ये कंडीशंस क्या होती है जिसमें कार्बन आयन बनता है, बताइए आराम से। अच्छा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं होती ऐसे इसकी, जैसे फिर रेडिकल की होती, रिएक्शन पे डिपेंड करेगा बेटा। ठीक है लिख लिया सर। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है एंड नोट वाली बात है सर, एक बार पिछले पेज दिखा दीजिए। ओके सर। अब सुनो सब लोग, नोट क्या है,
मैं तुमसे पूछूं, इसमें कार्ब, इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, बताओ क्या बताएगा आप में से? बताओ इसका ओरिजिनल क्या होगा? ओरिजिनल ये होगा ना, सर एसपी होगा। एसपी कैसे हो सकता है यार, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना मुझे। एसपी टू है, एसपी टू है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन। अब फर्जी हो, एसपी होगा, रेडिकल लगा इसलिए। अरे रेडिकल नहीं है मेरे भाई, एसपी कैसे होएगा सर? दो सिग्मा बॉन्ड और दो हाइड्रोजन कौन जाएगा? अरे हाइड्रोजन छुपाते हैं ना भाई, तो सर टोटल चार बॉन्ड है ना, तो सर चार थ्री बोला तो था सर, हुआ ना सर एसपी थ्री तो का। हाँ सर एसपी थ्री तो कह रहा था। हाँ सर मना कर दिया आपने, तूने एसपी बोला था यार, एसपी थ्री बोल रहे थे सर आप। अब सुनो सब लोग, सेम के इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलोगे आप? एसपी थ्री, ये वाला क्वेश्चन दूंगा तो सर। लेकिन यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, यदि आपका इफ नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, तो देखो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में किस एग्जाम्पल है, पहले में दूसरे में? दूसरे में। तो यदि कॉन्जुगेशन में आ रहा है आपका नेगेटिव चार्ज ऐसे, तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री नहीं एसपी टू लिखेंगे आप, क्लियर है? यदि कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है, सिर्फ एसपी थ्री के साथ बनेगा केस, यदि एसपी थ्री आ रहा है और नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है तो एसपी थ्री लिखेंगे, यदि नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में आ रहा है तो एसपी टू कर देंगे, बताओ क्लियर है? जैसे देखो मान लो ये क्वेश्चन दूं आपको ऐसा, कोई पूछे इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बोलोगे आप? एसपी थ्री। लेकिन यदि आप कोई बोले इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो क्या बोलोगे आप? एसपी टू। बिल्कुल, एक क्वेश्चन है लिखो फटाफट। और ऊपर वाले में तो कॉन्जुगेशन है। ओहो है क्या? हाँ तो गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया सर। कॉन्जुगेशन कैसे तोड़े इसका? और तो आएगा ही कॉन्जुगेशन। हाँ इसमें तो हमेशा ही बनेगा यार, तो मैं लाइट ले लो फिर, बस इस एक वो हो ही नहीं पाएगा मेरा वाला केस ना। ठीक बात है, कार्बन एसपी थ्री है ना, ये दो हाइड्रोजन यहाँ पे। लेकिन ऐसा बना देगी स्ट्रक्चर जिसमें तेरा नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में चला जाएगा तो एसपी टू हो जाएगा। हो गया सर, नेगेटिव चार्ज जहां होगा और अगर कॉन्जुगेशन में होगा वहां sp2 होगा हमेशा। हां जी, यदि वो तुम्हारा आंसर आ रहा होगा sp3, यदि मैं इसका पूछूंगा तो sp3 आंसर आएगा क्योंकि कार्बन sp3 है, ये ऐसे ही तो था लड़की देख। यस है ना, तो ठीक है ओके सर। अब स्टेबिलिटी पे आते हैं, आ जाओ स्टेबिलिटी। नेगेटिव चार्ज है वजह से ये रिएक्टिव है, तो हम चाहते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज कम हो जाए, सही बात है सर? तो प्लस रेजोनेंस में, तो पहला इफेक्ट कौन सा लगेगा? रेजोनेंस, रेजोनेंस में प्लस एम या माइनस एम? बोलो माइनस एम। प्लस नहीं भी, माइनस माइनस खींचना है ना, और इंडक्टिव में प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई, माइनस आई। तो माइनस एम और माइनस आई इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, प्लस एम और प्लस आई क्या करेंगे? घटाएंगे। क्लियर? यस सर। लिखो, क्वेश्चन दे रहा हूं सर, एक बार रिपीट करना ये। बेटा देखिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के होने की वजह से रिएक्टिव है, हम चाहते हैं इसकी रिएक्टिविटी कम करना, तो यही चाहिए नेगेटिव कम हो जाए। अब नेगेटिव कौन कम करेगा रेजोनेंस में? प्लस एम या माइनस एम? माइनस एम होता है ना इलेक्ट्रो विड्रॉइंग खींचने वाला,
सही है सर। तो ये लिखा है माइनस एम इंक्रीज करेगा प्लस माइनस आई इंक्रीज करेगा सर। माइनस एम इंक्रीज करेगा और माइनस आई भी इंक्रीज करेगा। हाँ जी ठीक है सर। कार बना है इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मतलब ओरिजिनल से कंपेयर होता है ना। हाँ बस एक एक्सेप्शन है sp3 जब कंजुगेशन में आता है। हो गया यहाँ तो डन सर। परफेक्ट क्वेश्चन ले। यस सर। यस सर। एक सेकंड मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया। क्या है आप सुन पा रहे हो क्या मेरे को? सुन पा रहे हैं सर पर आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई और आप अटके हुए हो। अभी दिखा सब आप दिख रहे हो पर आपकी मेन वाली अटकी हुई है। बोर्ड तो दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है। हाँ सर बोर्ड दिख रहा है। चलेगा उसमें स्टेबिलिटी बतानी है ना। कोई वन ग्रेटर देन टू ग्रेटर देन थ्री वाला है ना। हाँ जी ठीक है। करी ट्राय डिस्कस कर रहा हूँ। एक मिनट हाँ सर हो गए। डन सर। चलो भाई आंसर हो गया। पहले का आंसर बताओ। चलो फिर डन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर थर्ड वाला। सही बात है। क्योंकि देखो पहली बात फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सेकंड और थर्ड में कॉन्जुगेशन है फर्स्ट में नहीं है तो फर्स्ट सबसे घटिया हो गया। अब सेकंड में देखो एक तरफ का रेजोनेंसेस में दो तरफ का रेजोनेंस ज्यादा कॉन्जुगेशन है बोल सकते हो तो फिर सबसे अच्छा हो गया थर्ड। अब बताओ इसमें बताओ। चलो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। वन टू थ्री सब ज्यादा वन थ्री टू किया है। सब ज्यादा कौन स्टेबल वन? मैंने वन किया है फिर टू किया है फिर थ्री। बिल्कुल सही किया। तो देखो पहली बात कॉन्जुगेशन किसमें बताओ? इसमें दिख रहा है कॉन्जुगेशन पहले में। हाँ देखो ना। यस सर। इसमें कॉन्जुगेशन है और किसमें कॉन्जुगेशन है? हाँ माइनस एम ग्रुप है बिल्कुल फर्स्ट आ गया। अब इन दोनों में देखो इसमें नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं है लेकिन ये माइनस आई तो एक तरह का इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसमें माइनस। यहाँ पे इसका माइनस आई लग रहा है यहाँ पे इसका माइनस एम लग रहा है और यहाँ पे इसका कुछ नहीं लग रहा तो फर्स्ट फिर कौन आएगा सेकंड फिर कौन आएगा थर्ड मतलब इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है किससे? नहीं सर मेजोमेरिक में तो चार्ज नीचे गया ऊपर गया ऐसे कॉन्जुगेशन होगा ना
ऐसा कहां पाएगा इंडक्टिव में, देख कोई दिखा पा रहा है तू कॉन्जुगेशन? हाँ सर, इसमें तो नहीं है कॉन्जुगेशन। सही है, थर्ड में बताओ। सर बी वाला। सर बी हो जाएगा। तो दिक्कत किसी को? नो सर। देखो भाई सब लोग, चलो और क्वेश्चन देते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे आज आपको एक चीज सिखानी है। जैसे मान लो कोई दो ग्रुप है, जैसे मैं, मेरे को देखना आप लोग सिर्फ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे O नेगेटिव लग रहा हुआ है और यहाँ पे ऑर्थो पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है बेटा। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ आप, सुनना मेरी बात। इसको नीचे करोगे है ना, और इसको यहां फेंकोगे। ये सिखाया आपको शायद? यस सर। अच्छा अभी देखते रहना जो मैं करता जा रहा हूँ। फिर इसको इधर, इसको इधर, ये आप सबने करा हुआ है, बस रिवाइज करा रहा हूँ एक कंसेप्ट सिखाने को। चन्ना समझना, पूछ लेना। NO2 लगा हुआ है, ठीक है। अभी भी NO2 लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसको नीचे वाले में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हाँ बेटा, तो ये नीचे। अब देखो सब लोग ध्यान से देखना, अभी वाला स्टेप देखना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज को मैंने यहाँ फेंका, इसको मैंने, अब मैं यहाँ फेंक के ऊपर भी भेज सकता हूँ। एक तरीका तो है कि यहाँ फेंका और इसको कहाँ भेज दिया, ऊपर भेज दिया, ये कर सकता हूँ। यस सही है। और नहीं, मैं पर मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ, देखो वो इंटरेस्टिंग है। NO2 में भेज सकते हाँ, कि मैं इसको इधर फेंकू, ध्यान से देखना, और मैं इसको यहाँ फेंकू और इसको यहाँ फेंक दू, कर सकता हूँ ना? हाँ, तो अपना माइनस एम प्ले कर रहा है, अरे बात समझ में, जो खेच रहा है ना। यस सर। तो यदि कोई नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये और ये आपस में किस पोजीशन पे? ऑर्थो पे। किस पोजीशन पे? ऑर्थो। ऑर्थो में। तो ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्जुगेशन में है। बोथ ग्रुप आर इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, सही है। यस सर। अच्छा इनडायरेक्टली लेकिन है तो है, ये नीचे जाता जाके इसको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको मेटा पे लगाओ, इसका एक बार इसको मेटा पे लगाते हैं। अब सुनना, यहाँ आपको मैं इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। मेटा पे लगाया बेटा, अब देखते क्या NO2 अपना माइनस एम, तो यहाँ पे अपना NO2 ने अपना माइनस एम रोल प्ले किया। इस क्वेश्चन का देखते माइनस एम प्ले कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ नीचे करा, यहाँ करा, देखते रहना सब लोग। इसको यहां फेंका, इसको यहां फेंका, हाँ अब बताओ क्या NO2 यहां पे अपना माइनस एम रोल प्ले कर सकता है? नहीं सर। कोई NO2 को इलेक्ट्रॉन दे सकता है? आप में से देखो सिंगल सिंगल नहीं दे सकता ना, इसको यहां जाना पड़ेगा अल्टीमेटली और इसको यहां जाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। यस सर। तो मेटा पे होता है ये पोजीशन, पता है मेटा पे। सो बोथ ग्रुप आर नॉट इन, समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ ना बोलो यार। यस सर। और सेम केस पैरा के साथ भी बन सकता है कि नहीं बन सकता है? देखो पैरा मतलब वही हो जाएगा, मेटा वाला, ऑर्थो वाला। हाँ ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला। अब देखो इसका यूज कहां पे, मैं बताता हूँ, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आते हैं इस पे। जैसे मेरी बात सुनना सब लोग जो मैं बता रहा हूँ, अब इसका यूज कहां करोगे आप, है ना? सर ये कोई भी फंक्शनल ग्रुप्स के लिए हो सकता है? कोई भी दो ग्रुप, बेंजीन पर दो ग्रुप जोड़ो। अब मेरी बात सुनना सब लोग, मैं जो बता रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन है। हाँ बेटा। सर लास्ट स्लाइड शो कर दो। बेटा अभी लिख मत, मैं समझा रहा हूँ, है ना। अभी तो ये समझ, दो ग्रुप जो आपस में ऑर्थो और पैरा पे हैं, वो आपस में कॉन्जुगेशन करेंगे। मेटा पर रहेगा तो कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, ठीक है? ओके सर। लड़की? यस सर। अब अभी मैं अभी टाइम दूंगा लिखने का, टेंशन मत ले। हाँ सुनो मेरी बात, मान लो आपके नीट या आईआईटी में ऐसे सवाल आएंगे, अभी इंटरेस्टिंग देखो, मजा आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे सब कुछ यूज करके दिखा रहा हूँ, ऐसा ही बना देता हूँ एक ही बात। देखो अब साफ ध्यान से सुनना, अब इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं? अब तुम्हें पता है कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन सब कुछ है, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो
CH2 के नेगेटिव, CH2 नेगेटिव के NO2 किस पे जुड़ा हुआ है? ऑर्थो पे जुड़ा हुआ है? Yes, sir. तो यहाँ पे ये कैसे शो करेगा? माइनस M ग्रुप. ये CH2 नेगेटिव NO2 कहाँ पे जुड़ा हुआ है? मेटा पे. तो यहाँ पे ये माइनस M कर सकता है क्या शो? नहीं कर सकता. तो कैसे करेगा ये? माइनस I करेगा. यहाँ पैरा पे है, कैसे शो करेगा? माइनस M. अब देखो क्या करोगे, इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड, इसका नाम थर्ड. तो कौन जीत गया? फर्स्ट और थर्ड ज्यादा स्टेबल हो गए किससे? सेकंड से. यस सर. देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं 1 2 3 था, फर्स्ट में NO2 का माइनस M लगा, सेकंड में इसका माइनस आई लगा, फिर माइनस M लगा. तो माइनस M किस किस में लग रहा है? फर्स्ट और थर्ड में. तो फर्स्ट और थर्ड किससे जीत गए? सेकंड से. इतना समझ में आया सबको? अब मुझे फर्स्ट और थर्ड में कंपैरिजन करना है. अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे कंपैरिजन करें? अपन एम तो कर चुके दोनों का, अब करेंगे आई. तो यहाँ पे भी माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस आई. कहाँ पे NO2 का माइनस आई ज्यादा लग रहा होगा? और तो है पैरा. और तो पैरा डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. आई और मेटा NO2 पास किस में? सर और तो होगा और तो उसके बाद होगा पैरा, उसके बाद कौन होगा? मेटा. समझे? तो पहले मैंने इन दोनों को एमएम से कंसीडर किया, एमएम से कंसीडर किया तो फर्स्ट और थ्री जीत गए. अब दोनों में एमएम बराबर लग रहा है, तो मैंने क्या देख लिया? आई देख लिया. आई बात समझ में? यस सर. देख लो सब लोग, अब मैं सबके क्वेश्चन मिक्स दूंगा, क्योंकि इसके बाद फ्री रेडिकल वेडिकल सब मिक्स करके दूंगा मैं. सर एक बार नोट कर ले. हाँ नोट तो कर लो. तो और तो और पैरा पे रहेगा तभी रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट काम करता है. मेटा पे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है. अरे समझे कि नहीं समझे? पहले ये नोट करो, पहले तो फिर नोट करना है तो पहले ये नोट करो यार, फिर वो नोट करना. तो ये सबको कंसेप्ट समझ में आ गया. अब ये खाली कार्ब एनायन में ही लागू नहीं है, किन्हीं भी दो ग्रुप के बीच की कहानी है. यदि दो ग्रुप आपस में ऑर्थो पे होंगे या पैरा पे होंगे, समझ रहे हो? लिखा भाई?
डन सर। सर नहीं हुआ था एक बार। डन सर। हो गया सबका? यस सर। अब ये इंटरमीडिएट वाला पार्ट खत्म हो गया, अब एसिड बेस और पढ़ाना है आपको, वो भी आपके हैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, वो भी क्योंकि इन इफेक्ट से ही पढ़ी जाती है। तो एक क्लास में एसिड, एक क्लास में बेस। तो अपना खत्म हो जाएगा, फिर मैं बस एनसीईआरटी वाली ऑर्गेनिक और पढ़ाऊंगा आपको और फिर हो जाएगा। बढ़ जाऊं आगे, प्रैक्टिस करें इसकी थोड़ी, ये काम की चीज है, हमेशा काम आएगी आपको। यस सर। चलो अब देखो एक क्वेश्चन, अब आप करके बताऊंगा। अभी गोला बना रहा हूँ, बेंजीन है तो समझ गए ना, सेम क्वेश्चन चिपका दिया लेकिन मैंने इसको बना दिया कार्बोकैटायन का। चलो इसका नाम है ए बी सी डी, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख के बताना है। सब लोग दिमाग लगाना अपना, इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इतना घटिया नहीं है। वंश, वंश है क्या क्लास में? वंश और वो क्या नाम है, वासुदेव? हाँ सर। उनको क्या पढ़ना था थर्मो में बेटा? सर छोटा सा रिवीजन टाइप का करना था। छोटा सा रिवीजन क्या होता है बे? तो जितना पेपर में चल जाए। पेपर मैंने तुम्हें बताया दिया था, वो पढ़ाया था उस दिन। अब तुम्हें वर्क वाली कैलकुलेशन वाला लेक्चर देखा तुमने? हाँ। तो बस उतना उतना ही काफी है पेपर में, तो थोड़ा बहुत हीट पड़ जाओ। सर उसमें भी थोड़ा डाउट है, तो वो भी क्या, जब मैंने लेक्चर्स बताए थे उसमें भी डाउट्स हैं थोड़े बहुत, तो वो पूछ लेना अभी। एक्चुअली क्या, मैं बहुत बिजी था यार दिन में, मेरी मीटिंग्स हो गई थी तो मैं तुम्हें बोला तो था लेकिन वो हो ही नहीं पाया। और अभी मेरी क्लास भी है, तो अभी मैं क्लास एंड करूंगा थोड़ी देर बाद, जब ये खत्म हो जाएगा तुम अपना पूछते रहना। अभी तो ये क्वेश्चन कर लो फिर अपना। हो गया सर। हो गया सर। डायनामिक्स वैसे नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे ना बेटा, अभी मना कब किया, सारा दोबारा पढ़ाऊंगा, थर्मो केमिकल आयोनिक सब पढ़ाऊंगा भाई। आयोनिक तो मैंने शायद किसी को भी नहीं पढ़ाया इस क्लास में, पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा। क्लास कब एंड करोगे बेटा? अभी टाइम है क्लास एंड, प्रैक्टिस करानी इस कंसेप्ट की। इसका आंसर बोलो कोई पहले मुझे। ए सी बी डी। ए सी बी डी क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किधर लगाऊं साइन? ए ज्यादा स्टेबल है, ए सबसे स्टेबल है। बहुत ही बेकार बात बोली है तो देख ले फिर। सर उल्टा कह दिया शायद इसने। हाँ उल्टा कह दिया, इसके जज्बात उल्टा कह दिया, जज्बात बदल दिया। डी बी सी ए। क्या? डी बी सी ए, increasing order of stability. B C A. इस लड़के का जज्बा increasing order है, decreasing order है। हाँ ठीक है समझ गया। देखो आ जाओ कैसे करेंगे। पहली बात तो है प्लस है, प्लस मतलब इसको माइनस है और माइनस आई घटाएगा, सही बात है? तो यहाँ पे देखो क्या लग रहा है, माइनस एम लग रहा है, माइनस आई दोनों लग रहा है, यहाँ पे खाली माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे माइनस एम और माइनस आई लग रहा है, यहाँ कुछ नहीं लग रहा। तो सबसे ज्यादा हीरो तो कौन है? डी।
देख क्योंकि घट प्लस की तो स्टेबिलिटी घटाता है ना माइनस और माइनस आई। अरे बोलो यार। हाँ सर हाँ। अब देखो आप हाँ। देखो अब डी के बाद कौन आएगा बी, क्योंकि बी में खाली माइनस आई लग रहा है। ए और सी में तो माइनस एम और माइनस आई दोनों लग रहा है। अब ए और सी में देखते घटिया कौन है, माइनस आई ज्यादा कहां पे लग रहा है, ए में या सी में? ए में। ए में ये घटिया है। फिर कौन आएगा यहाँ पे? क्या फील कर पा रहे हो आप इस आंसर को? यस और नो? यस सर। चलो अगला सवाल आ रहा मार्केट में एकदम तगड़ी। सर हां तो मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे कहां डिपेंड करता है सर? मैंने कब बोला डिस्टेंस? मैंने कब बोला डिस्टेंस पे? ए और सी में बराबर माइनस एम लग रहा है, सही बात है हाँ, लेकिन आई तो बराबर नहीं लग रहा है ए और सी में। अच्छा ठीक है सर, इंडक्टिव इफेक्ट तो करता है ना डिस्टेंस के साथ। ठीक है सर। ऐसा हाँ। मेरे को लगा आपने मेसोमेरिक इफेक्ट बोला डिस्टेंस पे करता है। ना ना ऐसा मेरा बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं था। अब OCS3 के पास लोन पेयर है, ठीक है, अब बार बार नहीं लगाऊंगा लोन पेयर। जो आपने फर्स्ट वाले में सेकंड डायग्राम बनाया है उससे भी प्लस है ना? हाँ जी बेटा। सर सेम बना दिए। अच्छा NH2 और NO2 है, ठीक है। देखा मैंने फटाफट। अरे रुक, ये गाना सुना कर रहे, रुक जा रहे बंदे। हाँ सर। बहुत मजेदार क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही मजा आएगा आपको करने में यदि आपको समझ में आ रहा है तो, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्लास छोड़ने का मन करेगा अभी के अभी, ये भी बता रहा हूँ। पहला वाला तो बहुत आसान है। आसान नहीं बेटा, बता दी इसलिए आसान है, वो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। दिस इज एनी सोल, यदि याद हो तो किसी को, एनी सोल का कार्ब कटाइन है। पिछला पेज दिखाना एक बारी, ठीक है। सोच समझ के आराम से करना ये, इनको क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना है, ठीक है? ये मतलब बहुत ही नेगेटिव करवा जाता है एग्जाम में, इनको बहुत सोच समझ है। हाँ हाँ बिल्कुल टाइम है आपके पास, आपका समय शुरू होता है अब। इसके लिए प्रायोरिटी याद नहीं है, प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा दिया ही नहीं कुछ। अच्छा अच्छा दे दिया मैंने, ठीक है समझ गया वाले आ, पर फिर भी दिमाग इतना तो लगाया जा सकता है यार। MM तो सेम है, आई की NO2 और NH2 में बताओ किसका माइनस आई ज्यादा रहेगा? NO2 का। हाँ NO2 का, इतना तो दिमाग लगा लो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है ना दोनों। BA तो आ गया, वो CD में देख रहे हैं। देख रहे हमने कहां से स्टार्ट करी थी जिंदगी और किस लेवल पे आ गए हम खेलते खेलते। हो गए सर, हो गए। एक मिनट और रुक जाते हैं, सब लोगों को कर लें दो। गरिमा कहां है वो लड़की, उसकी आवाज आई थी, समझ में आ रहा बेटा? यस सर कर रही हूं। इतनी दबी आवाज में बोले लड़की, ज्यादा प्रेशर में तो नहीं आ गई? डन सर। डन हो गया। आप लोग पढ़ते हो तो ऐसे प्रेशर में आके मत पढ़ना कभी भी, ठीक है? आराम से चिल होके पढ़ना, मेरा सजेशन है आपको,
आप चाहते हो आईआईटी में पहुंचना ना, जितना रिलैक्स और जितना खुश होके पढ़ोगे ना बिना बर्डन के, उतना ही अच्छा करोगे आप। और जितना बर्डन में रह के कि अरे यार ये भी करना है ये भी करना है, घर वाले बोलेंगे ये बोलेंगे, उसमें क्या है ना आपको आपके दिमाग में ना आपका दिमाग यही चीजें सोचेगा। जब फील फ्री होकर पढ़ते हो ना तो मचा देते हो एकदम। तो हमेशा याद रखना जा रहे हैं ना अच्छी जगह, पढ़ाई को एक मजे की तरह करके करना। और ये जरूरी नहीं होता कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, दैट डजंट मैटर यार, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे में से 23 घंटे पढ़ेगा वही आईआईटी जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 घंटे पढ़ के भी आईआईटी जा सकता है। मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूँ तो 3 घंटे में बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, कंसेप्ट के साथ सोच समझ के, मतलब ऐसा पढ़ना काम का है। मतलब एक बात समझ रहे हो आप, प्रेशर मार के पढ़ोगे तो कभी भी आउटपुट नहीं आएगा बेटा, याद रखना। और सवाल नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, यदि आपसे आपने 10 सवाल लगाए 10 के 10 गलत हो गए, कोई इसमें डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हो सकता है, उसमें क्या है, ठीक है। तो वो सवाल तो बना ही इसलिए है सही होगा या गलत होगा, सही बात है ना। एक बार बताओ मुझे, आपने 10 क्वेश्चन उठाए और 10 नहीं हुए तो आप दुखी हो जाते हो, सही बात है। और मान लो आपने 10 क्वेश्चन उठाए 10 के 10 हो गए तो क्या पटाखे बजाने लग जाते हो क्या? आंसर तो बताए आंसर। हाँ बताए आंसर। हाँ हाँ बी ए सी डी, पहले वाले का बता रहे क्या? नहीं नहीं दूसरे वाले, पहले वाला तो हो गया। चलो दूसरा सर, मेरा बी ए डी सी सर, सेकंड वाले का मेरा सी डी आएगा। हाँ सर, सेकंड वाले का मेरा बी ए सी डी आ रहा है। सबके अलग अलग आ रहे हैं। नहीं सर, बस दो का डिफरेंस आ रहा है सबका, बी सी। चलो हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। सबसे पहले प्लस एम ग्रुप है यहाँ पे, लोन पे रहना है यहाँ पे, जिता दो इसे। ये माइनस एम ग्रुप है बे, नहीं करना था तुमने, गलत कर दिया बे। ये प्लस आई ग्रुप है सर, एनएच टू सर, माइनस एम ग्रुप है, गलत लिखा है। माइनस एम ग्रुप है, हाँ एनएच टू माइनस एम ग्रुप है, बताइयो कैसे ग्रुप है एनएच टू, कनेक्टिंग एटम पर खींचेगा ही तो। माइनस एम कैसे हो गया बे, हटो। अरे वो तो एनएच थ्री था शायद, एनएच टू ये बेटा, कनेक्टिंग एटम पर लोन पेयर आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो प्लस एम होता है, ऐसा लिखवाया था। अच्छा रुको अभी मत करो आंसर, फिर रुको सर, फिर रुको। हाँ एक सेकंड सर, अब क्या रुको, अब तो हमने आंसर ला दिया। ये ए तो सबसे पीछे चला जाएगा ना, तो सबसे अच्छा देखते हैं पहले, इसमें कुछ नहीं लग रहा तो मेरे, इसकी स्टेबिलिटी कौन घटाता है बढ़ाता है, माइनस एम। सबसे अच्छा आएगा बी, बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा ए, और फिर डी, सी के बाद आएगा डी, डी के बाद आएगा ए। पहले क्यों आ गया? हाँ सर अब सही है। मैं फिर से बता देता हूँ, माइनस एम और माइनस आई बढ़ाते हैं नेगेटिव चार्ज, तो सबसे अच्छा दिख रहा है मुझे बी, बी के बाद दिख रहा है सी, सी के बाद दिख रहा है मेरे को डी, डी के बाद दिख रहा है ए, ए में तो प्लस एम है भाई, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। हाँ बस नहीं देखा, और सब सही है सर। डी पहले नहीं आना चाहिए सी से, क्या कॉन्जुगेशन चल रही है? डी पहले आना चाहिए सी से। हाँ कैसे आना चाहिए बता, सी में लग रहा है बेटा प्लस आई। अच्छा प्लस आई है क्या? हाँ तो गड़बड़ हो गई फिर से, सबसे अच्छा आया बी, फिर आएगा डी होना चाहिए। हाँ फिर आएगा डी, फिर आएगा सी, फिर आएगा ए सर। बट कॉन्जुगेशन तो हो रही है ना, कॉन्जुगेशन तो सब में ही हो रही है बेटा, प्लस आई है, प्लस आई, प्लस आई डिक्रीज करेगा ना। हाँ सर बेंजीन है, कॉन्जुगेशन तो है ही है, तो प्लस एम और प्लस आई डिक्रीज करेंगे, माइनस एम इंक्रीज करेगा। सबसे अच्छा ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये सबसे घटिया प्लस एम वाला। देखो सब लोग एक बार फील करके सर, ये जब इतना फेमस है। हाँ तो बताओ क्लियर है? अरे बोलो, और भी दे दूंगा ऐसे सवाल, तुम्हें टेंशन मत लो। हाँ क्लियर है। चलो अच्छा इसका बताओ, इसमें क्या लग रहा है प्लस एम, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे प्लस एम लग रहा है, सब नहीं लग रहा प्लस होगा, यहाँ माइनस आई है। हाँ एसी भी होएगा सर, डेटा पे तो माइनस आई ना बेटा, ठीक है। अब आप देखो प्लस में माइनस आई डिक्रीज करेगा तो सबसे अच्छा कौन होएगा? ये दोनों में प्लस एम, प्लस एम ये भी टफ क्वेश्चन था वैसे, आपने पता नहीं कैसे कर दिया। देखो इसमें लग रहा है यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे लग रहा है माइनस आई। अब देखो तो सबसे घटिया हो गया हमारा ये, माइनस आई क्यों लग रहा है बे? OCS3 का माइनस आई तो लगेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन आप बता रहे थे ना मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा, तो बेटा वही कह रहा, सुन 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 सुन, इसलिए मैंने पहले M कंसीडर करा, तो A और C में
प्लस एम लग रहा है, तो ए और सी जीत गए किससे, बी से, ठीक है, जीत जाएगा। अब ए और सी का कंपैरिजन करूं, अब ए में माइनस आई ज्यादा कहां पे लग रहा है, ए में या सी में, ए में, ए में माइनस आई ज्यादा लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी, कार्बोकैटायन है, घटेगी। दोबारा बताना, दोबारा सही वाला दोबारा बताना। हाँ बिल्कुल बेटा, इतने आसान नहीं है, थोड़ा सा देखो भाई, देखो सुनो, पर मैंने इंडक्टिव इफेक्ट का चेक ही नहीं किया था सर, मेसोमेरिक के बाद अभी तो दोनों खतरनाक चीजें हैं। देखो सबसे मैं बता रहा हूँ तरीका, के सबसे पहले इफेक्ट लिख लो, ठीक है। हमने कहा भाई OCH3 यहाँ पे है, इसका यहाँ पे प्लस एम लगेगा, माइनस आई लगेगा, सही बात है। मेटा पे खाली इसका आई लग पाएगा, पैरा पे इसका प्लस एम और माइनस आई लगेगा। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले एम किस किस में एम लग रहा है, ए और सी में एम लग रहा है, प्लस एम, प्लस एम हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो ए और सी जीत गए किससे, बी से। लेकिन अब ए और सी में क्या किया मैंने, ए और सी में दोनों में प्लस एम लग रहा है, सर। अब प्लस एम के बेसिस पे तो इन दोनों को अलग अलग कर नहीं सकते सर, पोजीशन के बेस पे नहीं करेंगे बेटा, प्लस एम तो बराबर होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट थोड़ा होता है एम। अरे अरे हाँ, ये क्या, अब आई देखेंगे, देखो आई माइनस आई माइनस आई, किसमें आई ज्यादा लग रहा है, ए में या सी में, माइनस आई किसमें ज्यादा लग रहा है, ए में, ए में, और माइनस आई तुम्हारे स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, 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 तो ए घटिया हुआ ना, सी अच्छा हुआ, फिर ए हुआ, फिर बी हुआ, बोलो भाई। सर सही है मेरा, यो मैन, हाँ बस ये सब लॉजिक नहीं लगाया था बेटा, ये लॉजिक लगाना है। चलो अब एक क्वेश्चन और ट्राई करो, एकदम ही माहौल सेट कर देता हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको मैं बहुत ही टफ बनाने की कोशिश करूंगा, करूं स्टार्ट, बिल्कुल चलो दिखा दीजिए, तो ओके सर हो गया। चलो ये वाला ट्राई करो, मैं चाहूंगा कि आपको इस क्वेश्चन को करके मजा आए, या आप क्लास ही छोड़ के चले जाएं, मतलब आपका दिमाग भी खराब हो सकता है। सो चलो, सॉरी लिख रहे, मुझे टाइम लग रहा है, भी नहीं लगेगा, ठीक है। बस सर बस, एक ही है सर, सर इतने बना दिए, चलो लो पांच ही रख लेता हूँ, और भी बना सकता हूँ वैसे, सुनना बस सर ये काफी है। सर जो आपने इससे पहले क्लास ली थी ना सर, वो उसमें नहीं था सर, मेरे को उसका समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूं, वीडियो देख ले सर, देखी थी नहीं आया, तो फिर क्या करूं, वही तो पूछ रहा हूं, वो मैंने आपके, वो मैंने आने के लिए पूछी थी ना हाइपर कॉन्जुगेशन सर, वो मुझे समझ नहीं आया था। तो तू आया क्यों नहीं आज, आज तूने पूछा था तो आया ही नहीं आज, मैं क्या करूं बता सर, मेरे को लगा आप फ्री नहीं होगे यार, मैंने तुझे टाइम दिया था सर, कल आ जाऊं, हाँ आ जा, कल क्या है, मंगलवार है, हाँ सर, मंगलवार को आ सकता है, एक बजे के बाद आ सकता है, एक बजे के बाद,
सर आप कहाँ पे मिलोगे ऊपर? अरे मैं कहीं मिल जाऊंगा यार, इतना बड़ा सेंटर थोड़ना है, 25-30 फ्लोर थोड़ना है, काश हो जाए भगवान की दया से मेरे 25-30 फ्लोर। चल मैं तेको मिलू ही ना बिल्डिंग में, मैं इतना ही बड़ा करना चाहता हूँ। सर अभी कितने है वैसे? अभी तो 2 फ्लोर है, वैसे तो 4 फ्लोर है अभी, लेकिन 2 वर्किंग है बेटा, 2 अभी हमने क्लोज कर दिए थे कोरोना में, मतलब उनको हम रेंट कम देते हैं, मेंटेनेंस देते हैं, बनवाए थे हमने कोरोना से पहले नए नए। सर कोरोना ने सब बिगाड़ दिया। आंसर क्या है? 1 सेकंड सर आ रहा है। अच्छा सोच समझ के आंसर देना। बताऊं? हाँ बता तो चार। नहीं एक सेकंड बोल आंसर। हाँ सर सर पहला है मतलब इसका आंसर है AEC 1 2 3 4 में बोलना। अच्छा 1 2 3 4 बोल। हाँ मैंने 1 2 4 दिया भी लिख के, इसलिए इजी पड़ता है। 1 5 3 4 2 देखता हूँ तेरा क्या होगा। आहा कट गया यार तेरा ना, ये गलत है सर। हाँ और कोई आंसर देना चाहता है? मेरा आ रहा है 1 2 4 3 5 रुक जा क्या है 1 2 4 3 5 तेरे ड्राइंग तो बना लो पहले मैं। तेरा भी चेक करता हूँ। आपने राजू बना दिया छोटे भीम का। लक्षिता का भी आया है, लक्षित का 1 2 1 2 3 4 5 बे लड़की तूने तो बिल्कुल ही नंबर पेल दिया है। वंस का भी आंसर आया। वन फोर टू थ्री फाइव ये वंस का आंसर है। और 1 2 4 3 5 1 2 4 3 5 4 3 5 मैं आपको पता है क्यों लिख रहा हूँ ये सब? सर मैंने भी सेंड कर रखा है। सारे गलत हैं? नहीं नहीं मुझे लगा सारे गलत। बहुत लोग के आंसर आ गया, मैं रुकता हूँ। देखो मैच नहीं हो रहा किसी के भी, ये आंसर मैच हो रहा है बस 1 2 3 4 5 1 2 नहीं, 2 लोग के आंसर मैच हुए, 5 लोग के लिखे थे मैंने, और इधर चैट में भी किसी के मैच नहीं हो रहे, आर्यन का भी मैच देख रहे हो आप। पांचवा किसका है? ये पांचवा था कविता का। सही है हमारा, सही है सर। तो देखो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, एक सवाल के कितने आंसर आ रहा है तो कितना ही कंफ्यूजन है मतलब जिंदगी में, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग होने के फुल ऑन चांस है। अब हम देखते हैं आंसर क्या है। सही है। अब मेरा आंसर क्या है? सेकंड वाला किसका था? सेकंड वाला तो इसका था सर। एक सेकंड मेरा बदलना चाहता हूँ यार। अब तो हो गया ना, मेरा आंसर आ रहा है यार, इधर देखो सर, साइड में लिख लेना छोटा सा। बता 3 4 1 5 2 क्या? 3 4 1 5 2 3 4 1 5 2 मचा दिया लड़के ने। नहीं गलत है, ये कैसे कर रहा है तू? चलो अब देखो मैं आपको जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे करो, कभी गलती नहीं होगा। सबसे पहले CHO का यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस एम। OH का क्या लगेगा? माइनस एम। अच्छा प्लस एम। ओ क्लोरीन का क्या लगता है? माइनस एम। माइनस मेटा पे भी एम लग ही नहीं सकता, माइनस आई। तो सबसे घटिया मुझे पांचवा दिख रहा है, पूछो क्यों? क्योंकि पांचवे में नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। अब बचे मेरा 1 2 3 4 मुझे सबसे अच्छा प्रतीत होता है वो होता है 1, क्योंकि 1 में क्या हो रहा है? माइनस एम। बिल्कुल। और मुझे इन चारों में से
जो सबसे घटिया प्रतीत होता है वो होता है सेकंड। ओ बस एक की गलती हो गई सर और सब सही है। एक की होता है दो क्यों माइनस वन होगा वो 1 4 3 2 5 होना चाहिए। अब बचे मेरे पास कौन से। हाँ बताओ सर, वन पे मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे आ रहा है और सो पे माइनस एम नहीं लगेगा। आ तो रहा है। एक्स डबल बॉन्ड वाई पढ़ाया था यार याद हो तो, वाई के इलेक्ट्रॉन की एक्स से ज्यादा माइनस एम। पास कर करके देख लेना हो जाएगा सही है, नहीं तो ऐसे देख लेना है तो चार। अब देखो थ्री और फोर क्लोरीन फ्लोरीन किसका माइनस आई ज्यादा। फ्लोरीन सर, फ्लोरीन का। फोर जीतेगा 1 4 3 2 5। हाँ बताओ ऐसा आंसर आ रहा था किसी का। बस एक डिजिट की गलती हो गई सर और सब सर, सही। सर मेरी भी एक डिजिट की है सर, अगली बार से ना ऑप्शन देना। एक डिजिट की गलती होगी सर, डिजिट हो एक चाहे हो दो मिलेगा माइनस वन। अगली बार से ऑप्शन देना सर ऐसे सवालों में। मैं अपने अपने ऊपर स्वैग वाला चश्मा भी लगा लेता हूँ। सबको समझ में आया क्या, तरीके से करना इंपॉर्टेंट है ना बेटा। जैसे मैं कर रहा हूँ ना उस फ्लो में करोगे ना गलत नहीं होगा आपको फ्लो नहीं। यही तो यही सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मीजोमेरिक लगाओ, फिर आई लगाओ, देखो क्या लग रहा है, फिर आराम से सोचो कि भाई माइनस है तो कैसे स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन अभी सबको समझ में आ गया, किसी को डाउट बताओ भाई। आ गया सर, आ गया अब तो सबको आ गया। तो सर जो ऑर्थो पे होगा वो सबसे ज्यादा माइनस आई शो करेगा, माइनस एम। बेटा ऑर्थो छोड़, जो हम तो डिस्टेंस देखेंगे। हाँ सर, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे तो डिस्टेंस आया नहीं, दोनों दोनों देखिए दोनों सेम ही तो पोजीशन पे है। हाँ सर, तो यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो चाहिए था तुझे। जब दोनों जगह यदि कोई दो मॉलिक्यूल ऐसे जिनमें प्लस में माइनस एम आ जाए तब हम देखेंगे। सर मैंने वन है ना थ्री के बाद लगा दिया था। वन थ्री के बाद आ ही नहीं सकता, वन थ्री में तो माइनस आई है, वन में तो माइनस एम है, माइनस एम तो ग्रेटर होता है माइनस आई से। सर मैंने फोर के बाद टू लगा दिया था बस। तूने फोर के बाद टू लगा दिया था, फोर के बाद टू तो बहुत गलत है। मैंने वन के बाद टू लगा दिया था, वन के बाद टू तो बहुत ही गलत है, टू तो प्लस एम है। अभी देखो आप इस क्वेश्चन को, अभी क्लियर हुआ सबको बताओ भाई। सर yes. क्लोरीन वाले में वो नहीं आएगा मतलब प्लस एम, मेटा पे प्लस एम लगा देगा तू बता। अच्छा हाँ तो दिखाई, यदि और तो पैरा पे होता तो मैं लगा देता तेरी बात। और कुछ सर ठीक है। और बताओ सबको समझ में आया क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे अब, काफी प्रैक्टिस हो गई मेरे हिसाब से। हाँ सर वो होता है ठीक है। तो अभी मैं एक दो लोगों के डाउट लूंगा, अपन क्लास यहीं पे रोकेंगे। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसी का ही आगे वाला पार्ट, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ।